देखा मतलब नोट्स बनाए थे मैंने कम से कम 4-5 पन्नों के नोट्स बनाए, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके देखा वहाँ पे रिलेटेबल क्वेश्चन आए, तो मैंने देखा उसमें फिर मेरा मतलब क्या बोलते हैं जून में उसका रिजल्ट आया था उसमें हुआ नहीं, तो फिर मैंने मतलब पापा ने मेरे से पूछा था क्या हुआ, तो मेरा पापा अगली बार देखना, तो फिर उसके बाद मैंने सेप्टेम्बर वाला दिया, सेप्टेम्बर वाले में भी मेरा मतलब यही था, तो मैंने उस समय पापा ने मेरे से पूछा कि अब क्या हुआ, मैंने फिर भी यही बोला कि अगली बार देखना, तो फिर क्या बोलते हैं उसके बाद जब क्या बोलते 11th का पेपर हुए थे, 11th के पेपर मेरे मतलब नंबर कम आए थे थोड़े, तो फिर पापा ने तब बोला कि क्या बोलते हैं अब क्या हुआ, तब मैंने तब भी यही बोला अगली बार देना, पापा ने मेरे उस समय यही बोला था, तो तब से ये करता रहता है अगली बार, तो मतलब तेरा कभी अगली बार ही नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद मेरा क्या था उसके बाद अप्रैल 20 को इसी समय 2021 में पेपर हुआ था एनडीए का, तो उसमें मेरे मतलब कट ऑफ तो आई थी लेकिन मेरे मैथ्स में नंबर कम थे, मेरे मैथ्स में 15 नंबर कम रह गए थे, तो मेरा मतलब उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें भी फिर पापा ने उसमें तो मेरे को मेरी एज हो गई थी सर उसमें, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने सर SSC GD का फॉर्म निकला था उसमें पेपर भरा था, लेकिन उसमें भी मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जनरल की कट ऑफ 75 के आसपास गई थी, मेरे 63 क्वेश्चन सही थे, तो उसमें हुआ नहीं, तो फिर सर अभी जैसे उसमें मैंने अगली बार बोला था, तो अभी जैसे सर अभी भर्ती में गया था मैं, तो सर उसमें भी मतलब क्या बोलते हैं रनिंग लीग के बीट आउट हो गया, तो घर पे वाला सब मतलब ऐसे बोल रहे थे तो मतलब जो काम करो हर चीज़ ज़्यादा करता है पूरे दिन करता ही नहीं है, तो सर ऐसे फिर मतलब घर पे तो ऐसे है सर मतलब कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगली बार कभी नहीं आया, अभी मतलब अभी छुट्टी से आया हूँ मैं यहाँ पे, तो फिर मैंने बोला कि अब की बार भी ये बोलेगा कि अब की बार अगली बार नहीं बोलूँगा, अब की जो भर्ती आएगी उसको निकाल के आऊँगा। और जो से घर परिवार वाले दोस्त क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओके।